गुजरवास में समाज सेवी सर्वज्ञ गणेश राम सैनी की मूर्ति का हुआ अनावरण। गुजरवास में रिको के सामने गणेश चौक पर समाज सेवी सर्वज्ञ गणेश राम सैनी की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झाड़ वाले जोहड़ के महाराज भातीराम रहे। अध्यक्षता गुजरवास के पूर्व सरपंच जगदीश प्रसाद गुजर ने की। विशिष्ट अतिथियों में विधायक सुभाष पुनिया, पूर्व सांसद संतोष सहलावत, खेतड़ी के पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी, पूर्व प्रधान नीता यादव, विकास बालोटिया, सतीश गजराज, नोरंग डांगी रहे। कार्यक्रम के दौरान नवोदय विद्यालय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र कुमार शर्मा ने नवोदय विद्यालय के कर्मचारी समस्या बारे में बताया, जिस पर अपनी स्वरचित काव्य संग्रह शब्दांजलि व मनुष्य का गिरने का दौर जारी की प्रतियां भेंट की। कार्यक्रम आयोजक बाबूलाल सैनी सिंघानिया ने आगंतुकों का आभार जताते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान जयपुर की दीनदयाल एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति भी दी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज समाज सेवी गणेश राम जी की मूर्ति के अनावरण पर हम बाबूलाल जी के आग्रह को आदेश मानकर हम सब लोग यहाँ आए और उन समाज सेवी का हमने इस मूर्ति अनावरण में आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इस मौके पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो समाज सेवी होता है उनके परिजन उस समाज सेवी को इस तरह की मूर्ति लगाकर निश्चित रूप से समाज को एक तरह से संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज की सेवा करता है वो उनकी यादगार चिरस्थायी मनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने किया। इसके लिए मैं पूरी सूरजगढ़ विधानसभा की तरफ से मैं पूरे परिजनों को, बाबूलाल जी को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी बताया मूर्ति लगाना अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है, और अगर मैं उस दृष्टि से बात रखूं तो किसी भी मानव महामानव की, संत और गुरुओं की जब प्रतिमाएं लगाई जाती हैं तो क्षेत्र के लोगों को एक मैसेज दिया जाता है और उनके व्यक्तित्व और कर्तित्व के बारे में आने वाली पीढ़ियाँ सुने, समझें और उनके ज्ञान को चरितार्थ जीवन में करें, इसके लिए मूर्तियां लगाई जाती हैं। जो बाबूलाल जी सैनी ने अपने स्वर्गीय पिता श्री गणेश राम जी की मूर्ति को लगा के क्षेत्र में एक समाचार दिया और आने वाली पीढ़ियों को सीखने के लिए समय दिया, इनको धन्यवाद करता हूं।